ये कहानी शुरू होती है बंदर के एक बच्चे से जिसका नाम कीलू था। कीलू भी बहुत छोटा था इसलिए वो हमेशा अपनी माँ के पास ही रहता था। कीलू की माँ कीलू का बहुत ख्याल रखती थी। पर एक दिन रात में कुछ शिकारी जानवरों को पकड़ने के लिए जंगल में आते हैं। उसमें से एक शिकारी की नजर कीलू की माँ पर पड़ती है और वह शिकारी कहता है, ये कितना सुंदर बंदर है, अगर इसे पकड़ ले तो चिड़िया घर से बहुत रुपए मिलेंगे। फिर सभी शिकारी मिलकर कीलू की माँ को पकड़ लेते हैं और उसे गाड़ी में बंद करके शहर ले जाते हैं। इन सबसे अनजान कीलू सो रहा था। जब सुबह कीलू की आँख खुलती है तो वह अपनी माँ को पास ना देखकर रोने लगता है और फिर अपनी माँ को इधर उधर ढूंढने लगता है। वह जोर जोर से चिल्लाता है, पर उसकी माँ नहीं मिलती है। और फिर कीलू निराश होकर एक पेड़ की डाली पर बैठ जाता है और रोने लगता है। उसकी रोने की आवाज सुनकर पेड़ पर बैठी चिंकी नाम की एक चिड़िया कीलू के पास आती है। अरे क्या हुआ कीलू भाई, क्यों रो रहे हो? कीलू उसे सब बात बताता है। चिंकी सब कुछ समझ जाती है और वो कीलू से कहती है, कीलू भाई तुम्हारी माँ को शिकारी पकड़ कर ले गए हैं, अगर तुम्हें अपनी माँ से मिलना है तो तुम्हें शहर जाना पड़ेगा। फिर कीलू कहता है, चिंकी बहन मुझे तो शहर का रास्ता पता ही नहीं है, मैं कैसे अकेले शहर जाऊंगा? चिंकी बहन क्या तुम मेरी मदद करोगी? फिर चिंकी बोली, ठीक है कीलू भाई, मैं तुम्हें शहर पहुंचा दूंगी, फिर उसके आगे तुम खुद ही अपनी माँ को ढूंढना। फिर चिंकी और कीलू दोनों शहर की तरफ चल देते हैं। कई घंटों के सफर के बाद दोनों शहर के किनारे पहुंच जाते हैं। फिर चिंकी बोली, कीलू भाई लो आ गया शहर, अब मैं वापस जंगल अपने घर जा रही हूँ, इसके आगे तुम ही अपनी माँ को ढूंढना। कीलू चिंकी का धन्यवाद करता है और फिर चिंकी वापस जंगल में चली जाती है। इधर कीलू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। कई घंटों तक सफर करने के बाद कीलू बहुत थक गया था इसलिए उसे वहीं नींद लग जाती है और कीलू सो जाता है। क्या कीलू अपनी माँ को ढूंढ पाएगा? देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप इस वीडियो पर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।